पूछलखिन कहलखिन भैया, कहलखिन हाँ भैया, कहलखिन जिनका मनसा पाप भऽ जाइत है तऽ दोसर कोनो उपाय है? कहलखिन उपाय तऽ ढेर सारे, कहलखिन बताएल जा। कहलखिन सबसे उत्तम इलाज है जो हिमालय में जाकर गेल जा, तब तो अहाँ के जेरे से फैल गेल, कहियो नहि हैत, अपने के साफे बीमारी अपने के समाप्त भऽ गेल। नहि चाहबै जे दू चारि वर्ष पर भइयो जाय आसानी से हुए, तो पीपल गाछ के नीचा में जाके 1.25 लाख शनि के मंत्र जपन करे तो वो सब ठीक होते, मुदा 2-4-5 साल पर फिरता भए जाए। बेचारा सोचल कि बार बार बीमार पड़े तो आप नहीं ठीक है, जब डॉक्टरे के दिखावा के बढ़िया स्पेशलिस्ट से दिखाबी आ जेरे से घर के फेंक दी। बेचारा दोनों सवेरे सवेरे बुढ़िया अवस्था मिलकिन आ जंगल के तरफ विदा भ गए हिमालय के तरफ। तो भीष्म पितामह के दंडवत करे के लिए गेल है, तो भीष्म पितामह के आश्चर्य लग गए, कहलखिन अपने सब, कहलखिन हाँ हम हिमालय जा रहा हूँ, कहलखिन कारण, कहलखिन कारण गल के लिए, कहलखिन किए, कहलखिन नहीं लेल जे हम मनसा पाप में पड़ गए, कहलखिन दोसर उपाय बतेने छी आसान उपाय, कहलखिन नहीं नहीं डुप्लीकेट इलाज करब आ 2-4 साल पर ही जैसे पल्लव लेत रह बढ़िया बात नहीं है, दोनों जाके हिमालय में गेल गए। अब विचार करें, अब भीष्म पितामह विवाहे नहीं करती, महाराज संतनु के मृत्यु भ गए, अब 3-3 टा महिला अपने के राजभवन में रह गए, अब पुत्र नाम के चीजे नहीं है, हस्तिनापुर के राजा हुआ वाला राज संरक्षण करा वाला व्यक्ति नहीं रह गए, राज के जिम्मेवार व्यक्ति नहीं रह गए। एवं माता सतवती और दोनों काशी नरेश की पुत्री विचित्रवीर और चित्रांगद की पत्नी, ध्यान दी। अब सोचलखिन महारानी सतवती आप कौन उपाय करी, भीष्म पितामह से आग्रह कलकिन पुत्र अपने राजा बन गए, कहलखिन नहीं नहीं हम तो संकल्प लेने छी आजीवन अपने के विवाह करब न राजा हब। अंत में कुमारी अवस्था में सतवती के गर्भ से भगवान पराशर के अंश से भगवान वेद व्यास के जन्म भेल छल। बढ़िया से महारानी सतवती के कुमारी अवस्था में पराशर के अंश से भगवान वेद व्यास के जन्म भेल, काहे के गोबर से भूमि के लीप वेद व्यास के स्मरण कलकी महारानी सतवती, भगवान वेद व्यास उपस्थित भला, कलकिन कहो मातेश्वरी अपने क्या बोलेलो, कलकिन अपने हस्तिनापुर के राजा बनू, आखिर हमार संतान अहत छी, महाराज संतनु के संतान नहीं छी, तो कम से कम हमर गर्भ से अपने के जन्म भेल, तो कुमारी अवस्था में जो बच्चा के जन्म होता है वो माई के अधिकार होता है बच्चा पर, तो हमारा अधिकार यहाँ पर है और हम अपने का राजमाता छी हस्तिनापुर के, हम राज सत्ता हस्तांतरण क्या सके छी, ते अपने से विनम्र अनुरोध है जो अपने हस्तिनापुर के महाराज बनू। भगवान वेद व्यास जी कहलखिन तो नाजायज बात छी, मानव के लिए संत के लिए जे जन कल्याण के लिए जिनकर जन्म भेल वो तो राजा बन ही नहीं सके, लाख प्रयास करके भगवान वेद व्यास जी महाराज हस्तिनापुर के राज सत्ता लेवा के लिए तैयार नहीं भेल, कहलखिन विकल्प, कहलखिन विकल्प अपने दोनों महारानी के बिना वस्त्र के वस्त्रहीन कह के हमारा नजदीक में बारी बारी बुलाएल जा, हम उनका संतान दे दे छी, वो हस्तिनापुर के राजा बनत। तो इस तरह कहलखिन भगवान वेद व्यास जी महाराज ध्यान मग्न भेल, समाधि अस्त भेल, अब पहलुक भी रानी के पठाल गेल, तो बिना वस्त्र के पुरुष के नजदीक जाब ई तो कम पैघ बात नहीं है, ई शर्म के बात छल, लज्जा के बात छलनि, मृत्यु के समान छल। महारानी सोचल कि जाब नहीं तो संतान नहीं भा रहा, बिचारी महारानी पहुँचा गेल तो पहुँचली मुदा दोनों आँख के बंद कर ललकिन शर्म के तल। भगवान वेद व्यास जब नजर खोललखिन कहलखिन मातेश्वरी, कहलखिन हाँ पुत्र, कहलखिन इनका पुत्र तो हेबे करत, मतलब कोनो शंका नहीं है, मुदा वो आँख से अंधा जैसा धृतराष्ट्र के जन्म भेल। विचार कर दोसर महारानी सोचल कि आँख बंद करे से अंधरा बेटा हो बिना कपड़ा के पुरुष के नजदीक केना जाए, वो 2-4-5 किलो चावल के बढ़िया से बुक दिल्कि ने पानी में घोर के बढ़िया से देह में लगा दिल्कि, सोचलखिन यो बस के काम करते तत्काल, बिचारी पूरा अपने के शरीर में पिठार के लेप के पहुंच गई। भगवान वेद व्यास जी महाराज नजर के बंद केने से खोललखिन कहलखिन मातेश्वरी, कहलखिन हाँ पुत्र, कहलखिन इनका तो पुत्र हेबे करत मुदा कुष्ठ रोग से ग्रसित रह, उनका पांडु रोग रह, जैसे पांडु के जन्म भेल। अब दुईटा महारानी एकटा का अंधरा बेटा भऽ गेलै, एकटा के कोढ़िया भऽ गेलै, बढ़िया से विचार करी, किएक तऽ एकटा अपने के आँख बंद केने छल, एकटा अपने के चावल के टुकड़ा लगेने, संजोग से दासियो छली बिना संतान के संतानहीन, दासी सोचलखिन जे भगवान आबिये गेला हमहुँ नि संतान छी, इहो बिचारी बढ़िया से वस्त्र के उतारि देलखिन आ सीधा भगवान के नजदीक पहुँचल। जब वेद व्यास जी भगवान जब नजर खोललखिन कहलखिन मातेश्वरी, कहलखिन हाँ पुत्र, कहलखिन हिनका जे संतान हेतै से भगवान के प्रिय भक्त हेतै, जे भगवान विदुर के, बढ़िया सदन कहा के भाव की है, तो मनसा पाप के चलते विचित्रवीर चित्रांगद सन व्यक्ति के हिमालय में जाकर गले पड़ल और भगवान के नैदी व्यक्ति का शर्म आबि जाते ते अंधा और कोढ़िया के पुत्र जन्म होते, तब कोई दिक्कत नहीं है, जे कोई अंधा सा धृतराष्ट्र एक सब पुत्र के प्रादुर्भाव भेल और पांडु से 5 टा लड़का के जन्म भेल, जिसे महाभारत के संग्राम विकराल रूप में परिणत भेल। चली हमर कहा के भाव की छल जे मनसा पाप से हिमालय में गले पड़े थे और मोह भ जाए थे अग्नि ज्वाला में जले पड़े,
चलिए प्रेम से पुनः एक बार हाथ की ताली दाके नम्र भगवान भजन करी अति के बाद प्रवचन गाएगा बढ़ा देव प्रेम से बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम अनुकूल में मित्रता लगे अपने की मित्रता अनुकूल भेल आ गजा भांग खा के हफीन खा के अपने के पागल छी आ स्त्री वियोग में पागल आ योग व्यक्ति कहलखिन यो सरकार हम अपने के एक दिन कहने रे बुरुक बाय पेम से खैनी बीड़ी बीड़ी गजा भांग हफीन ई सब दारू शराब नहीं खाना चाहिए तो दो तीन टा चिट्ठी गेले हमर टेबुल पर कहलखिन यो सरकार भगवान शंकर के गजा चढ़े छै।